मरमदा हाल निवासी केला देवी गोविंद जाटव की सिलिकोसिस बीमारी से मौत हो जाने पर परिवार के घर सोमवार को पहुंचे बसपा प्रदेश उपाध्यक्ष हंसराज बालोटी ने पीड़ित परिवार को शोक संतप्त ढांढस बंधाया और 11,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि भेंट की है। बसपा प्रदेश उपाध्यक्ष ने अनाथ हुए दो बच्चों एवं मृतक की पत्नी को आर्थिक सहायता दिए जाने की क्षेत्र के लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा कि संकट के समय अपना फर्ज निभाते हुए परिवार की सहायता की जाए। उल्लेखनीय है कि मृतक गोविंद जाटव पत्थर का कार्य कर अपनी पत्नी पूजा और दो बच्चों का लालन पालन कर रहा था। गोविंद जाटव के सिलिकोसिस बीमारी से निधन हो जाने से उनकी पत्नी पर परिवार की लालन पालन की जिम्मेदारी आ गई है। दो बच्चों के परवरिश करने के लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। मृतक का घर भी नहीं है, हाल ही केला देवी में किराए घर में रहता है। अब परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जिला प्रशासन से सरकार की ओर से चलाई जा रही सरकारी योजना दी जाने की मांग की गई है। इस मौके पर उनके साथ बसपा के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखो, सबसे बड़ी बात है कि ये मानवता का विषय है, क्योंकि हमें सब लोग एक समाज में रहते हैं, और यदि हमारे बीच से कोई ऐसा परिवार जो आर्थिक रूप से गरीब है, और उस परिवार पर यदि उस परिवार के किसी व्यक्ति की यदि असामयिक मृत्यु हो जाती है और वो परिवार पूरा आश्रित हो जाता है, तो ऐसे में हम सभी जो समाज में रहने वाले सर्व समाज के भाई, उनका कर्तव्य बनता है कि हम उस परिवार की आगे बढ़कर उसकी मदद करें, जिस रूप में भी हमसे मदद हो सके, न केवल आर्थिक बल्कि किसी भी तरह सहयोग करके सरकारी मशीनरी के माध्यम से अपन सब सहयोग करें, जिससे वो परिवार समाज की मुख्यधारा में वापस से जुड़ सके। सर, आपकी ओर से कोई मांग नहीं थी इस परिवार के लिए? मेरी ओर से यही है कि जो स्थानीय स्तर के स्थानीय ग्राम पंचायत है या प्रशासन के लोग हैं, ऐसे जो परिवार है जिनका जो आर्थिक रूप से आश्रित हो चुका है, उस परिवार पर जो सरकार की विभिन्न योजनाएं, चाहे पालनहार हो या और भी सरकारी जो मुख्यमंत्री सहायता राशि के नाम से जो योजना चल रही है, इस परिवार को उस योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, ये स्थानीय स्तर पर मेरी मांग है। सर, आपका परिचय? मैं इंजीनियर हंसराज बालोती, बसपा प्रदेश उपाध्यक्ष, राजस्थान। धन्यवाद।